सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाले, अगर आपने वोटर आई डी का अप्लाई करा, वोटर आई डी का रिप्लेसमेंट करा तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाले। स्टेटस में चेक कर सकते हैं वोटर आई डी कार्ड एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, सारी जानकारी आप स्टेटस में चेक कर सकते हैं। आप किस वजह से वोटर आई डी कार्ड रिजेक्ट हुआ सारी जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं, किस डेट को रिजेक्ट हुआ ये जानकारी आप सारे स्टेटस में चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाले वोटर आई डी कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आज की इस वीडियो में पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने छोटे तरीके से वीडियो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस, लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको यहाँ पर कोई साड़ी का ओपन कर लेना पड़ेगा। इसमें आपको टैप करना पड़ेगा NBPS, देखिए यहाँ पे NBSP इस तरह का पोर्टल आपके पास खुल के यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर करा दिया जाएगा। इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल के डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखला दे रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह का पेज आपके पास रिडायरेक्ट कर दिया। इसको देखिए यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर पूरी तरीके से इसको लॉगिन कर लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ। पूरी तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो चुका है आपके पास। इस तरह का डिस्प्ले यहाँ पे रिडायरेक्ट यहाँ पे करा दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपको वोटर आई डी कार्ड स्टेटस चेक करने के, देखिए आपको सबसे पहले देखिए वोटर पोर्टल पर क्लिक करना पड़ेगा। अपने जिस पोर्टल से रजिस्टर कराया अप्लाई करा उसी पोर्टल से चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसी पोर्टल से मैंने वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करा, इसका स्टेटस चेक करने के लिए देखिए मोबाइल नंबर पासपोर्ट डालकर ये टर्म कंडीशन स्टार्ट करेंगे या कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से लॉगिन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जिस तरह से लॉगिन यहाँ पे देखिए लॉगिन यहाँ पे हो चुका है आपके पास। इस तरह का पेज खुल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वोटर आई डी कार्ड रिप्लेसमेंट करने के लिए, खोया हुआ वोटर कार्ड या कहीं कनेक्शन करने के लिए वोटर आई डी कार्ड यहीं से आप इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, दूसरा वोटर आई डी कार्ड यहाँ से मंगा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन स्टेटस डाल के यहाँ पे स्टेटस चेक करें। चलिए यहाँ पे मैं रेफरेंस आई डी जो मिला वो रेफरेंस आई डी डाल के आपको यहाँ पे ट्रैक योर स्टेटस के ऑप्शन पर आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसका स्टेटस आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे BOL अपॉइंटमेंट कर देगा। इसके बाद देखिए फाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो रेड कलर का टिक, जिस रीजन से आपका रिजेक्ट होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। लास्ट में आएगा तो यहाँ पे आपका वोटर आई डी कार्ड रिजेक्ट या एक्सेप्ट हुआ आपको डिटेल्स यहाँ पे शो करा दिएगा। चलिए एक तरीका और देखने, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ वोटर आई डी यहाँ पे चेक करने का स्टेटस। इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दोबारा से इसको यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना पड़ेगा। चलिए थोड़ा यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे दोबारा से इसी पेज पे आपको यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। देखिए आपको राइट साइड में देखिए आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, व्यू माई प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए थोड़ा देर यहाँ पे लोडिंग लेगा आपके पास, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे खुल के यहाँ पे आपको शो होगा, थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे खुल के यहाँ पे आ चुका है। देखिए आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए 7 अप्रैल 2020 को मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करी थी, जो कि यहाँ देख सकते हैं इसका रेफरेंस आईडी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए लास्ट में देखिए एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो यहाँ पे आपको रिजन यहाँ पे शो हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देखिए 001 है इसका। देखिए आपको यहाँ पे पूरी आपके अकाउंट की यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वोटर आईडी की इतनी डिटेल्स है थी। देखिए आपको यहाँ पे किस व्यक्ति के नाम से वोटर आईडी का इसका नेम शो हो जाएगा, यहाँ देखिए वोटर आईडी का नंबर शो हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे देखिए स्टेट बिहार आपको सारा चीज़ यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। ये आपको ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे स्टेटस में चेक करा दिया जाएगा, आपको अपने सभी तो अच्छे से इसको चेक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये आपके एप्लीकेशन यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाएगा, जो आपका स्टेटस रहेगा आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। सो आप इस तरह से यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का यहाँ पे अगर वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करा तो उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आई वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।